सब तो वध प्रदूषित शहरां दे विच एह शहर होया शामिल। हुण नगर निगम होई पब्बा पार, वाटर कैनल मशीनां दा कीता जा रहा इस्तेमाल। हेल्थ अफसर किरण कुमार ने कहा कि तुसी पिछले दिनों च एक एंटी स्मोक एंटी स्प्रे गन जां वाटर कैनल भी कह दिंदे आ, इह तुसी अमृतसर दीआं सड़कां ते चलदी होई मशीन देखी होवेगी। ट्रक बैक साइड ते वड्डे वड्डे पक्खे लगे हुंदे ने ते इह वड्डे वड्डे पक्खे प्रेशराइज्ड वाटर छड्डदे ने ते इस दे जरिए मशीन पक्खियां दी हैल्प दे नाल हवा दे विच जिहड़े डस्ट पार्टिकल हुंदे ने इह प्रेशराइजर वाटर डस्ट पार्टिकल नूं थल्ले सुट दिंदा है ते इह डस्ट पार्टिकल साढ़े शरीर दे लई काफ़ी हानिकारक हुंदे ने। जदों असीं साह लैंदे हां तां इह डस्ट पार्टिकल साढ़े फेफड़े अंदर चले जाते हैं। नगर निगम के वलों पूरे अमृतसर शहर के तीन मशीन लगाई गई ने जो प्रेशराइज वाटर हवा में छड़ते हैं अते डस्ट पार्टिकल नूं थल्ले सुट दिंदे ने ते इस नाल वातावरण साफ हुंदा है। उन्होंने कहा कि एक मशीन के अंदर 8000 लीटर पानी की क्षमता है ते लगातार 5 घंटे तक यह मशीन चल सकती है। उन्होंने कहा कि यह मशीन उन्होंने वल्लों रोजाना चलाई जाएगी जदों तक अमृतसर की आबो हवा ठीक नहीं होंगी। देखो तुसी पिछले दिनों एक एंटी स्मोक गन या एंटी स्प्रे गन कहते हैं या वाटर कैनन भी कह देंगे, ये तुसी अमृतसर की सड़कों पर चलती हुई ये मशीन देखी होनी है। बेसिकली इस मशीन के जो जेट होंगे वो बैकसाइड पर वड्डे वड्डे पखे लगे होंगे। हुण हुंदा की है कि जिस तरह ही आप प्रेशराइज्ड वाटर वो जरिए बाहर कढ़दे आ मशीन के जरिए तो पखियां की हैल्प के नाल जो पानी है ये हवा के विच इहदे छोटे मोलीकूल फैल जाते हैं। वो जो हवा के विच डस्ट पार्टिकल होंदे हैगे साढ़े वाटर मोलीकूल उन्हां डस्ट पार्टिकल्स नूं हवा के विचों नीचे बिठा देंगे जमीनी पद्धर के उत्ते, जिहदे नाल हवा के विच फैले हुआ जिहनूं आपां स्मोक कह दें उहदा लैवल बहुत ज़्यादा घट जाता जिहड़ा कि अगर हवा च फैलिया रहे तो फेफड़ियां दे जरिए जिहड़ा उह साढ़े शरीर के अंदर जा सकता है तो सानूं फेफड़ियां नूं काफ़ी नुकसान पहुँचा सकता है। इस करके उस स्मोक नूं जां पार्टिकुलर मैटर नूं जिहड़े हवा के विच फैले होंदे ने उहनां नूं जमीन ते सैटल डाउन करन वास्ते ये मशीन चलाई जाती है। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਕ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵਧਿਆ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਬਲੂ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ।